यार हे व्हाट्स अप गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो यार सुबह सुबह उठ के मस्त से आज देखो मौसम भी बढ़िया प्यारा हो रखा है, एकदम चिल्ड मौसम हो रखा है। तो गाइस एक चीज़ और, यहाँ पे अभी मैं अंदर आया था, मतलब मेरी मम्मी देखो फ़ोन चला रही थी, इनसे मैंने बाइक मांगी थी जैसे कि आपको शॉर्ट में आपने देखा होगा। मतलब कि देखो गाइस, ये मतलब इन्होंने ये सुपर बाइक दिलाई है मुझे, मतलब कि मम्मी कितने की, 2 करोड़ की तो होगी होगी आराम से, है ना। ये मेरी सुपर बाइक है, देख लो सबके सब, ठीक है। ये मेरी मम्मी ने दिलाई है, देख लो। ये मतलब कि मैंने इनसे क्या मांगा था, ये मुझे कौन सी सुपर बाइक दे रही है बताइए, मुझे असली वाली चाहिए, ये टॉय नहीं चाहिए। कैसी बच्चा समझ रही है यार ये मुझे, 2 साल का बच्चा। मैं इस बाइक से खेलूंगा, इस बाइक से। अरे कार ही दिला देती, कार ही दिलाती छोटी सी हॉट व्हील वाली। अरे ये पापा की है, मेरी नहीं है, हॉट व्हील वाली दिला देती, हॉट व्हील वाली। इससे क्या होगा गाइस। अभी मैं छत पे आया था और मैंने एक चीज देखी है, देखो हमारे घर पे ना गिरगिट भैया बैठा है, देख ओ मम्मी भाग गया, या तो भाग गए तो हम गए मम्मी के पास, जो बाहर पेड़ों में डालनी है पानी, देखो पूरी छत पे पानी फैला के रखा है इन्होंने। मनी प्लांट है ना, अंदर रख लो जीने के ऊपर, धूप लगने लगी है। धूप लगने लगी तो क्या होता है, धूप में कुछ होगा क्या, जलेंगे क्या? मनी प्लांट जल जाता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गाइस ऐसा कि मैं ब्लॉग करता हूँ तो कोई भी, मतलब मेरे यहाँ से कोई सीन नहीं है, मेरा कोई भी छत पे मेरे को नहीं देखता है, वो पागल समझता है मेरे को, बस कैमरा लेके बस पागल मोबाइल लेके ऐसे वीडियो बनाता रहता है फालतू में, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मम्मी पानी डालनी है, वो मेरे को काम उन्होंने बता ही दिया है करना ही क्या है, वो जो मनी प्लांट रखा हुआ है ना उसको सीढ़ियों पर रखना है क्योंकि उसके पत्ते ना धूप की वजह से जल जाते हैं। तो गाइस एक चीज़ और, ये देखो गाइस, इस पंखे पे ना, घर के पंखे पे चिड़िया घोंसला बना रही है, डेली के डेली घास लेके आती है, रख देती है और वही घास मम्मी भी साफ करती है तो नीचे गिर जाती है, देख लो। मतलब कि भाई हम लोग तो यहाँ किराएदार हैं, इनका घर है भाई ये तो पूरा, सही बता रहा हूँ। ऊपर गिरगिट भैया बैठे हैं, यहाँ पे ये बैठी है, छुप गई देखो, अभी वहीं पंखे पे टंगी हुई है। चलो ये साफ़ करते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हर एक घंटे में ये फैला देती है फालतू का। गाइस जैसा कि देखो इसका कैसा क्रिया गर्म कर दिया मम्मी ने, देखो अभी भी मान नहीं रही हैं, और क्या कहते हैं ये जो क्या कहते हैं फ्लावर पॉट वगैरह हैं यहाँ पे टांग रही हैं सामने दीवार पे। थोड़ा सा गंदा भी है क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने ढंग से वो नहीं किया है पेड़, मतलब क्या कहते हैं उसको, पुटीन वगैरह, हाँ पुटीन, पुटीन कहते हैं उसको। तो देखो अभी साफ़ कर रही हैं, और भाई साहब हम लोगों ने प्लान ये किया है कि ये ना पूरे दीवार में फैलेगा और इस साइड भी फैलेगा और यहाँ पर भी फैलेगा, देखते हैं ये प्लान कब तक वर्क करता है। लगा तो लिया इसको जाल में बिल्कुल मस्त से, यार देखो ये मम्मी ने क्या कर दिया, सामने ही सामने लगा दिए। हाँ अच्छा लग रहा है वैसे देखने में, प्यारी वाली फीलिंग आ रही है, मतलब हो चुके थे पुरानी यहाँ पे लगे थे वो सामने, तो यहाँ पर ये हमारा मनी प्लांट फैलेगा और यहाँ पर हमने ये तीनों लगा दिए, हमने नहीं मम्मी का करामत है। और बाकी पता है ये चार पॉट थे उनमें से एक ख़राब हो चुका, तो एक इसमें पता हम लोग कांड करने वाला है इसका। इसका ना एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ नहीं, ये चिड़िया के लिए गर्मी हो रखी है ना तो पानी के लिए एक व्यवस्था हमने कर ली है, जैसा कि यहाँ पर हमने चिड़ियाओं का भी इंतज़ाम कर दिया है, तो कोई भी चिड़िया जो है प्यासी नहीं रहेगी गर्मी में, यहाँ पे पानी पी सकती है आके। देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ ना, अभी ये ऊपर तक फुल है तो ज़्यादा उनको चोच वगैरह घुसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको आराम से पानी मिल जाएगा और हम लोग डेली चेक करते रहेंगे। बाकी वो छोड़ो यार, पेड़ देखो मेरी कितनी प्यारी लग रही है, ये सब इनकी बदौलत है, ये यही करती है, इनका केयर सब कुछ रूटीन इनका ही है, देना पेड़ों को सब इन्होंने करके रखा। और बाकी तो आप देख ही सकते हो ये मम्मी ने ही सजाए सारे, पेंट वगैरह भी सब मम्मी ने करे हैं। हाँ दिवाली में मैंने थोड़ी सी हेल्प करी थी, सुबह आपने जैसा कि देखा था मम्मी पेड़ में पानी डाल देती है, अब देखो मम्मी दूसरे फ्लावर भी सही कर रही हैं। ये तो जंगली वाले हैं मम्मी, इनको कहाँ से है? नहीं है घर में लगते हैं। अच्छा और ये वाला मेरा ज़्यादा फेवरेट है, ये बम्बू टाइप लगता है एकदम प्यार सा, ऊपर सा देखो ये इतना सा आया था छोटा सा गाइस, अब इतना बड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था तो यार जैसा कि एक भाई अपन को मिले हैं जिनका नाम है संदीप, बट यार देखो यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। हेलो हेलो भाई, हमने इनको रोका है अपनी गाड़ी को रोक के, सही बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा, इतना स्ट्रगल भाई मैंने आज तक नहीं देखा, मैं तो यार बहुत ही कम स्ट्रगल, कुछ भी नहीं हो रहा है मेरा, तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, 3 साल टाइम लिमिट ही है मेरी। ये बंदा 29 दिनों के अंदर झारखंड से झांसी आ गया, अभी भाई कहाँ जाने वाले हो? ये ग्वालियर, घर पर आ चुका हूँ और
सामान वगैरह लेने गया था दुकान के लिए, मम्मी का, मम्मी ने भेजा था। तो रास्ते में वो भैया मिल गए भाई, झारखंड से झांसी आए हैं, मतलब कि साइकिल से। सोचो हम पैदल, मतलब हम बाइक से नहीं जा पा रहे हैं, वो साइकिल से झारखंड से झांसी आए हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करे उन्होंने। सो मिलकर अच्छा लगा कहीं सुनकर, और ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और फैमिली में सब जगह फैला दो ब्लॉग को, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, क्या देखिए।